नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब मैं लाइव आऊँ और जाकर आपको बता पाऊँ कि मार्केट के बारे में मेरा क्या व्यू है, मार्केट के बारे में मेरी क्या परसेप्शन है, मार्केट में क्या मेरी रीडिंग है या मार्केट के रिलेटेड मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे को सबसे पहले जो चीज़ समझनी पड़ती है वो है स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके की न्यूज चल रही है। अब जैसा स्टॉक्स के लिए न्यूज चल रहे होंगे उनके जिस तरीके के सेंटिमेंट्स होंगे, तो अगर वो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे और स्टॉक्स उनके साथ में पॉजिटिव ही रेस्पॉन्ड कर रहे होंगे तो मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव होगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो न्यूज है अगर वो किसी तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट को जनरेट कर रही होंगी, तब उस समय पर अगर स्टॉक्स भी नेगेटिव ही परफॉर्म कर रहे होंगे तो इंडेक्सेस कैसे ग्रीन हो सकते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपके साथ इस समय पर कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। गूगल से मैंने कुछ न्यूज को निकाला है जिन न्यूज को मैं इस समय पर पढ़ रहा हूँ, और उन न्यूज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले जो मेरे को न्यूज देखने को मिलती है वो KEC इंटरनेशनल के बारे में जानने को मिलती है। कुछ नए ऑर्डर्स कंपनी को तकरीबन 1012 करोड़ के अप्रॉक्स के मिले हैं बिजनेस के लिए, और ये इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर हम राइट्स को देखे चले तो राइट्स ने एक आपके पास में MOU साइन किया है अंगोलास कामिनो डी फारो दी मोकामेडीज के साथ में अपने कंट्री के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के। तो राइट्स के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है, और राइट्स आपको पता ही होगा कि ये हमारे पास में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं जिनके अंदर अगर आप निवेश करके चलते हैं तो ये हमारे को 3 तरीके की इनकम प्रोवाइड करके चलते हैं। सबसे पहले तो अगर कभी भी कैपिटल गेन के बारे में देखे चलते हैं, दूसरी अगर कोई रेंट आता है इनका तो रेंट की इनकम देके चलते हैं, और इनके से अगर कहीं पर ये कुछ पैसा इंटरेस्ट पर देके चलते हैं तो इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट ये रिसीव करते हैं ये भी हमारे को प्रोवाइड करके चलते हैं, क्योंकि ये एक ट्रस्ट है और इन ट्रस्ट का काम बस अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को आगे बढ़ाना होता है। तो राइट्स के बारे में भी एक पॉजिटिव न्यूज है। इन्फोसिस के बारे में एक न्यूज हमें जानने को मिलती है कि इन्फोसिस स्टार्क ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रही है जिससे कि वो आने वाले वक्त में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सके, और वो इसके लिए लेवल्स करके चलेगी इन्फोसिस टोपाज को लिए। पॉजिटिव न्यूज है। अगर आप वारी रिन्यूएबल के बारे में बात करके चले तो एक न्यूज वारी रिन्यूएबल के बारे में कि कंपनी को तकरीबन 52.6 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स मिले हैं एक्सचेंज में, ऐसा उन्होंने फाइलिंग की है। अब देखिए, जी पावर के बारे में अगर आप देखे चलेंगे तो जी पावर के बारे में न्यूज ये है कि कंपनी को 25 करोड़ के ऑर्डर वेदांता से मिले हैं। तो जी पावर वेदांता, ठीक है। अब पेटीएम आपके पास में, पेटीएम के बारे में कहा जाता है कि आने वाले वक्त में पेटीएम कोशिश करके चल रहा है कि वो आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर चलेगा जिससे कि उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती हो और वो अपनी स्पेस को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। वक्रांजी ने 8.8% का स्टेक वॉर्टेक्स इंजीनियरिंग के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से उठाया है। और विप्रो को अगर आप देखे चलेंगे तो विप्रो के बारे में NCLT ने रिफ्यूज कर लिया है इनसॉल्वेंसी पिटीशन फाइलिंग को अगेंस्ट विप्रो। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। और डीमार्ट, और देखिए मैं आपसे ये डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि जिन स्टॉक्स के बारे में मैं आपको न्यूज पर पढ़कर बता रहा हूँ इनमें से मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे हो रहे होंगे जिन्हें हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ होगा, या कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बिहार पर हो सकते हैं। तो किसी न्यूज का मतलब मैं आपको न्यूज पढ़कर बता रहा हूँ, गूगल से न्यूज ढूंढ के मैं आपको बता रहा हूँ, और एक भी जगह पर आप उसे किसी भी जगह पर मतलब कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझ के चलिएगा और ना ही आप इसे रिलेट कीजिएगा। देखिए डीमार्ट, तो डीमार्ट के बारे में यह है कि कंपनी एक नया स्टोर खोल रही है अपना पेरुंगल तमिलनाडु में, और ये डीमार्ट के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर आप क्रिसिल के बारे में देखे चलेंगे तो कंपनी ने अप्रूव करा है एक होली ओन सब्सिडरी को, मतलब जिसको क्रिसिल इरविना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंबोडिया कोलंबिया के नाम से जाना जाएगा। टाटा पावर के बारे में न्यूज है, टाटा पावर इजी फाइनेंसिंग ऑफर करके चलेगा MSMEs को फॉर सोलर एडॉप्शन के लिए। ये टाटा पावर के लिए न्यूज आई है। NTPC के लिए न्यूज है कि कंपनी अपने ट्रायल को ऑपरेट करके चले 800 मेगावाट का, जो कि आपके पास में तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और ये NTPC के लिए न्यूज है और ये पॉजिटिव न्यूज है। कोल इंडिया को अगर आप देखने चलेंगे तो कोल इंडिया के लिए न्यूज है कि कंपनी 24,000 करोड़ ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करके चल रही है। अगर आप नेक्स्ट देखने चलेंगे जय भारत मारुति के बारे में, तो आप इसमें से लिए कि ये प्रपोजल लेकर आने वाले हैं कि फंड रेज करने के लिए 16 सितंबर के आसपास ये प्रपोजल लेकर आएंगे जय भारत मारुति। गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में अगर आपसे बात करके चलूँ तो गॉडफ्रे फिलिप्स ने रिजेक्ट कर दिया कंपनी के प्रपोजल को, जिसके अंदर वो एक पार्टली ट्रांजेक्शन कर रहे थे आपके पास में एक्सपोर्ट अनमैन्युफैक्चर टोबैको को, जो कि आपके इसमें तकरीबन 1,000 करोड़ का था। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ नेगेटिव और न्यूट्रल न्यूज को समझा जा सकता है। शालीमार पेंट्स के लिए एक न्यूज है आपके पास में, इसको पहले कि न्यूट्रल ही समझा जाएगा कि ये इन्होंने मतलब टेंडर कर दिया अपने रेजिग्नेशन को, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का था अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। तो
तो मतलब आगे देख सुनेंगे ग्रीन प्लाई के बारे में है कि ग्रीन प्लाई लोकल वर्क फोर्स के साथ एनकुएके में वेस्ट अफ्रीका के अंदर काम करके चल रही है, और ये कहीं ना कहीं मतलब जिसमें इस जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था आपके पास में, इस प्रोटेस्ट को से ऑपरेशन शटडाउन हुए पड़े हैं, तो यहाँ पर आपके पास में ये ग्रीन प्लाई के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है। तो मैं आपको कुछ एक बार ब्रीफ समरी देना चाहूंगा। हमारे पास में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज, केईसी इंटरनेशनल के लिए हमारे पास पॉजिटिव न्यूज है, राइट्स के लिए हमारे पास पॉजिटिव न्यूज है, इंफोसिस के लिए हमारे पास पॉजिटिव न्यूज है, और वारे रिन्यूएबल के लिए हमारे पास पॉजिटिव न्यूज है, जीई पावर के लिए भी हमारी न्यूज पॉजिटिव है, पेटीएम के लिए भी न्यूज हमारी पॉजिटिव है, वक्रांजी का जो स्टेक को एक्वायर करना है ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है, और विप्रो के में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली है, डीमार्ट की न्यूज भी हमारे पास पॉजिटिव है, और यही चीज हम लोगों ने क्रिसिल और टाटा पावर के लिए देखी, और एनटीपीसी के लिए तीनों ही न्यूज हमारे पास में पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है मार्केट को लेकर, और बाकी समय पर अगर आप मार्केट का हाल जानना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, और मैं अभी थोड़ी देर में मार्केट के अंदर लाइव भी आने वाला हूँ कि इस समय पर तकरीबन तकरीबन 1993-94 मतलब कहने के वापस से 20,000 के लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है आपका निफ्टी, और यहीं पर 45,500 के नीचे कहीं आपके पास में स्ट्रगल कर रहा है बैंक निफ्टी। डॉलर के अंदर अगर आप देखे चलेंगे तो एक गिरावट है, और क्या कहते हैं अगर क्रूड के अंदर आप देखे चलेंगे तो क्रूड भी ऊपर के लेवल पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, लेकिन मतलब क्रूड एक काफी हाई पर अभी इस समय पर है और ये हमारे को थोड़ा सा सता रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी, और इस आने वाले वक्त में आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा। मैं न्यूज को अपने मतलब ब्लॉग सेक्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। द सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BASL इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ऑल डिस्क्लेमर्स कैन बी रीड ऑन गौरव सर डॉट इन। आप सभी डिस्क्लेमर्स को गौरव सर डॉट इन वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, 10 बजे मुलाकात होती है।